व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी बनाऊंगी। ये आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितने खस्ता बने हैं। यहाँ मेरे पास एक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये बाहर से जितने खस्ता हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट और अच्छे होंगे। ये देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, ये डाल देंगे। इसके साथ ही यहाँ मेरे पास 300 ग्राम चिकन है, जिसे मैंने बॉयल करके तो ऐसे श्रेड कर लिए हैं, ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, चिकन को हम हल्का सा सौते कर लेंगे। चिकन को मैंने 1-2 मिनट के लिए सौते कर लिया। अब यहाँ मेरे पास एक दरमियाने साइज का प्याज था, जिसे मैंने यूं काट लिया है, ये भी डाल दूंगी। साथ ही मेरे पास एक शिमला मिर्च थी, इसे भी मैंने ऐसे काट लिया है, ये भी डाल दूंगी। एक मेरे पास गाजर थी, ये देखिए, इसे मैंने जूलियन कटिंग में ऐसे कट कर लिया है, ये भी डाल देंगे। डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को 1-2 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें, यहाँ मेरे पास है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, मैं ये डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून है मेरे पास सिरका, मैं ये भी डाल दूँगी। साथ ही इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्चें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लिक्स, सॉल्ट टू टेस्ट होगा। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ मेरे पास 1 कप कटी हुई बंद गोभी है, मैं ये डाल दूँगी। कैबेज अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। बंद गोभी डालने के साथ ही हम अपनी फ्लेम को थोड़ा हाई पे कर लेंगे और सब्जियों को 2 मिनट के लिए ऐसे पका लेंगे। फ्लेम को तेज़ कर लेंगे ताकि हमारी सब्जियों का कलर ना ख़राब हो और ये पानी ना छोड़े ना, इसलिए इसे तेज़ फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ मेरे पास थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज है, हम ये डाल दूँगे। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। पिलिंग में रेडी कर चुकी। अब यहाँ क्रेप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 अदद अंडा लिया है, 1 कप मेरे पास मैदा है, 1 कप मेरे पास दूध है, 1/2 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1 टीस्पून मेरे पास चीनी है, 2 टेबलस्पून मेरे पास मेल्टेड बटर है, 1/2 कप मेरे पास पानी है। मैं इसको ब्लेंडर जार में इसलिए बना रही हूँ ताकि ये अच्छा सा जल्दी से बन जाएगा और कोई इसमें लम्स वगैरह भी नहीं बनेंगे, लेकिन आप इसे विस्क के साथ भी बना सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। क्रेप्स बनाने के लिए हमारी लिक्विड डो रेडी हो चुकी। अब आप इसे किसी भी बर्तन में निकाल लें, मैं इसे ऐसे एक जग में निकाल रही हूँ, ऐसे हमें बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके तो साइड पे रख देंगे और अपनी बाकी की तैयारी कर लेंगे। अब यहाँ मैंने तकरीबन 5-6 टेबलस्पून के बराबर मैदा लिया है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये पेस्ट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी, ये देखिए कितनी पतली सी है। अब हम इसे करेंगे साइड पर। अब हम ऐसे ही फिर से डालेंगे। डालने के साथ ही चारों तरफ इसको घुमा लेंगे। ये देखिए एक साइड से ये हो चुका, अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अब आपको रोल बनाने के लिए बाहर से रोल पट्टी लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप घर में बना के इजीली तो ये रोल तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आपको। क्रेप्स मैंने सारे रेडी कर लिए,
अब मैं यहाँ से एक लूँगी इसमें से। हमारे यहाँ क्रैप्स रेडी हो चुके हैं, मैं इनमें से एक लूँगी। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। फिलिंग डालने के साथ ही हम इसे यहाँ से ऐसे करेंगे, इधर से ऐसे करेंगे, फिर इसको हम यू रोल बना देंगे ऐसे करके। ऐसे रोल करने के साथ ही यहाँ हमने जो मैदे और पानी के साथ एक स्लैरी रेडी की है वो लगा लेंगे। यहाँ ऐसे लगा लिए, ये देखिए ऐसे हम इसे बना लेंगे। ये देखिए हमारा रोल तैयार हो चुका। अब मैं ऐसे ही बाकी सारे भी बना लूँगी। हमारे रोल रेडी हो चुके, अब मैं यहाँ से एक लूँगी। ये जो हमने मैदे के साथ पानी डाल के एक लिक्विड तैयार किया है इसमें डिप करेंगे। अब यहाँ मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से ऐसे कोट कर लिया है। अब मैं यहाँ से प्लेट पर रखती जाऊँगी और बाकी सारे भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। कोटिंग कंप्लीट हो चुकी रोल्स की, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, अब हम अपने रोल डाल देते हैं इसमें। अब हम इन्हें फौरन नहीं हिलाएंगे, अगर फौरन हिलाएंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी, थोड़ा सा पकने का वेट करेंगे। अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए इसको कलर आ गया है बहुत प्यारा सा। हमारे रोल्स रेडी हो चुके, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनका। तैयार हो गए हमारे स्प्रिंग रोल्स। आप इन्हें इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं, या फिर इंशाल्लाह अगर रमज़ान भी आ रहा है तो आप इसे इफ्तारी में बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही बनेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।